गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टेली टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज की टेली टिप्स हम शुरू करते हैं, आज की टेली टिप्स से कि डेटा को स्प्लिट कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। मैं ये सिलेक्ट कंपनी में जा रहा हूँ और ये मेरा एक कंपनी है, एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 2018 से लेके 31 मार्च 2021 तक का डेटा है। इस कंपनी को मुझे स्प्लिट करना है। इसका मतलब कि इसमें 3 साल का डेटा है जो मुझे स्प्लिट करना है। तो मैं ये कंपनी को ओपन करता हूँ। ये मेरा कंपनी ओपन हो गया। अब स्प्लिट करने के लिए हमें कंपनी इन्फो बटन को क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है स्प्लिट कंपनी डेटा, उसमें जाना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, वेरीफाई कंपनी डेटा और सिलेक्ट कंपनी। स्प्लिट करने के लिए सिलेक्ट कंपनी में जाना है और स्प्लिट करने से पहले वेरीफाई कंपनी डेटा करना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अगर डेटा में कुछ प्रॉब्लम है तो डेटा स्प्लिट नहीं होगा, बीच में एरर आएगा और स्प्लिट होना बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको वो एरर को सॉल्व करना पड़ेगा और अगेन आपको स्प्लिट करने के लिए जाना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि डेटा बहुत का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो स्प्लिट कंपनी डेटा की प्रोसीजर में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, डिपेंड्स अपॉन डेटा, वो टाइम उतना जाता है। अगर आपने वेरीफाई कंपनी डेटा नहीं किया होगा और कुछ डेटा में प्रॉब्लम निकला और स्प्लिट की प्रोसीजर पूरी नहीं हुई और बीच में एरर आई, तो आपका वो जो भी टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा कि स्प्लिट करने से पहले आपको वेरीफाई कंपनी डेटा में जाना है, वहां पे आपको कंपनी सिलेक्ट करके डेटा को वेरीफाइड कर लेना है। तो मैं वेरीफाई कंपनी डेटा में गया, कंपनी सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। ये वेरीफाई का प्रोसीजर खत्म हो गया, डेटा में कोई एरर नहीं है, इसलिए टैली ने मुझे ये बता दिया, नो एरर्स फाउंड। अगर एरर कुछ होगा तो यहाँ पे वो एरर दिखाएगा और उसका सॉल्यूशन भी दिखाएगा कि आपको क्या करना है। वो आप उस ट्रांजेक्शन में जाके या उस मास्टर में जाके आप वो चीज कर दो, ठीक है, उस एरर को रिजोल्व कर दो। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे इस मेनू में वापिस आइए, कंपनी इन्फो में जाके स्प्लिट कंपनी डेटा में, और अगेन आप वेरीफाई कंपनी डेटा कीजिए, ठीक है। और नो एरर्स फाउंड जब आपको मिले उसके बाद आप स्प्लिट करने की प्रोसीजर में जाइए, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा है, इसके लिए अब मैं स्प्लिट कंपनी करने के लिए प्रोसीजर में जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये सिलेक्ट कंपनी में जाना है। अब सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद मुझे कंपनी सिलेक्ट करनी है जो कंपनी मुझे स्प्लिट करनी है। तो वो कंपनी मैंने सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस किया। अब यहाँ पे मुझे स्प्लिट फ्रॉम यानी मुझे डेट लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डेट कौन सा लिखना है। एक्चुअली हमारा इंडिया में हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर वाइज डेटा स्प्लिट करना चाहते हैं तो हम जो भी फाइनेंशियल ईयर से हम डेटा स्प्लिट करना चाहते हैं उसका 1 अप्रैल डेट हमें लिखना है। अब जैसे ये मेरा जो डेटा था ये 3 साल का डेटा है, 18, 19, 19, 20 और 20, 21। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो मुझे क्या करना है कि इसके 3 अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइस डेटा सेपरेट कर देने हैं। तो टैली में जब भी हम स्प्लिट करेंगे तो 2 फाइनेंशियल ईयर के ही डेटा स्प्लिट होंगे एक बार में। 2 से ज्यादा हम एक बार में नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे मैं एक साथ में 3 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का डेटा स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर 3 साल का डेटा अलग करना है तो अगेन वापिस मुझे स्प्लिट में के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे मैं एक फाइनेंशियल ईयर सेपरेट करता हूँ। ये मेरा 3 साल का डेटा है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर जो है 2020 से 31 मार्च 2021 का एक अलग कंपनी बन जाए। तो यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 1 अप्रैल 2020 और मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ।
मुझे टैली पूछ रहा है स्प्लिट करना है यस और नो, और मैंने यस कर दिया। तो अब ये स्प्लिट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये स्प्लिटिंग का प्रोसेस हो रहा है डेटा स्प्लिटिंग का। तो ये डेटा स्प्लिट हो गया। अब डेटा स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, अब मैं सबसे पहले ये जितना भी कंपनी यहां पे ओपन हुआ है वो सब मैं बंद कर देता हूं, शट कंपनी, और ये मैं सारे कंपनी बंद कर देता हूं। अच्छा, अब अगेन मैं सिलेक्ट कंपनी में जा रहा हूं। अब देखिए कि यहां पे एक ओरिजिनल कंपनी था एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 3 साल का डेटा था, जिसको हमने सिलेक्ट करके स्प्लिट किया था। तो दो नया कंपनी बन गया, एक बना 2018 से लेके 31 मार्च 2020 का, यानी 18-19, 19-20, और एक कंपनी हुआ 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का। ठीक है, तो इस तरह से दो नया कंपनी बन गया और सबका ऑटोमेटिक कंपनी नंबर भी टैली क्रिएट कर देता है। यानी जो मेरा ओरिजिनल था वो 10001, जो दूसरे दो नए बने उसमें एक का नंबर हो गया डेटा फोल्डर में 10002 और दूसरे का हो गया 10003। अच्छा, अब स्प्लिट होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये कंपनी ओपन करके कंपनी इन्फो में जाके ऑल्टर में जाके यहां पे आप कंपनी नाम के उसके बाजू में से यहां पे आप उसका फाइनेंशियल ईयर लिख लीजिए, तो आपको सिलेक्ट कंपनी में अच्छा रीडेबल होगा। तो अब ये मेरा है 2018 से लेके 2020 का डेटा है, यहां मेलिंग नेम में से वो निकाल देने का, नहीं तो जो भी प्रिंट होगा उसमें ये पूरा प्रिंट होगा एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2018-20 ऐसा लिखा हुआ आएगा, जो भी रिपोर्ट वगैरह आप टैली में से प्रिंट करोगे उसमें जहां भी आपका कंपनी का नाम प्रिंट होगा वहां पे। तो उसके लिए मेलिंग नेम में ओनली कंपनी का नाम रखने का, ऊपर आप यहां पे फाइनेंशियल ईयर पीछे लिख दो और एंटर एंटर करके इसको मैं सेव कर रहा हूं। अब वापिस मैं, मेरा ये दूसरा कंपनी है जिसमें 2020 से 31 मार्च 2021 का डेटा है, उसको ओपन किया, कंपनी इन्फो में गया, ऑल्टर में गया और यहाँ के पीछे मैंने लिख दिया ये मेरा 2020-2021 का डेटा है, और मेलिंग नेम में मैंने ओनली कंपनी का नाम रखा। अब एंटर एंटर करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे तीन कंपनी होगा, हो गया 2018-20 का एक कंपनी जिसमें 2 साल का डेटा है, इसमें 3 साल का डेटा है और इसमें मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है। अब मैं क्या करूंगा, अगेन ये जो 2 साल वाला डेटा है उसको ओपन कर रहा हूं, कंपनी इन्फो में जा रहा हूं, स्प्लिट कंपनी डेटा में जा रहा हूं, सिलेक्ट कंपनी में गया और यहां पे मैंने मेरा 18-19 और 19-20 ऐसे दो अलग 2 साल के डेटा थे, तो उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो इसके दो पार्ट होंगे। तो मैंने यहां पे लिखा 1st April 2019 और एक्सेप्ट कर लिया। तो ये स्प्लिटिंग हो रहा है। ठीक है, तो स्प्लिट होने के बाद वापिस ये सारे कंपनी में बंद कर रहा हूं। एंटर किया। अब देखिए, अब यहां पे मेरा ये तो 2020-21 का कंपनी था। ठीक है, ये वाला जो कंपनी है जिसमें फाइनेंशियल ईयर क्या लिखा है 2019 से 2020, तो अब ये एक दूसरा कंपनी नया बना, इसको ओपन किया, कंपनी इन्फो में गया, ऑल्टर में गया और यहां पे मैंने, ये मेरा 18-20 का था जिसको मैंने स्प्लिट किया था और वो मेरा हो गया 2019 और 2020 का कंपनी, जिसको एंटर एंटर करके मैंने सेव कर दिया। अब इसको बंद कर रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं तो ये मेरा ओरिजिनल कंपनी जिसमें मेरा 3 साल का डेटा था, ये मेरा 18 और 20 का 2 साल का डेटा है, ये मेरा 18-19 का, तो इसको ओपन किया,
कंपनी इन्फो अल्टर, और यहाँ पे मैंने मेरा ये 2018 से लेके 19 तक का डेटा है जो मैंने 18-20 का कंपनी में से स्प्लिट किया था, तो 18 से लेके 2019 और मेलिंग नेम में से इसको मैंने निकाल दिया। अब वापिस मैं देख रहा हूं तो देखिए अब मेरे पास टोटल टैलिन के डेटा फोल्डर में इतने कंपनी हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो जरूरत नहीं है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, तो डिलीट कैसे कर, या तो उसको हाइड भी कर सकते हो। अब मुझे जरूरत कौन सा है, मेरा 2020-21, 19-20 और 18-19, ये तीन कंपनी की मुझे जरूरत है। ये मेरे ओरिजिनल थे जिसमें से स्प्लिट हुआ, स्प्लिट करने के लिए ये मैंने यूज किए थे। तो ये 10001 नंबर और 10002 नंबर, ये दो कंपनी की मुझे जरूरत नहीं है तो इसको मुझे हाइड कर देना है, या तो आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं आपको हाइड कैसे करना है वो बताता हूं। तो ये कंपनी है कहाँ पे, तो ये इसका पाथ है सी प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर टैली नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टैली ERP 9 6.63 डेटा, ये फोल्डर है उसके अंदर ये कंपनी है। तो आपको ये फोल्डर ओपन करना है, डेटा फोल्डर में आपको जाना है, ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। और कौन सा कंपनी मुझे हाइड करना है, मुझे 10001 नंबर का कंपनी हाइड करना है जिसमें 3 साल का डेटा था, और ये 10002 नंबर का कंपनी हाइड करना है। तो ये डेटा फोल्डर में जो 10001 नंबर का कंपनी है उसको रीनेम करके आप यहां पे लिख दो 2018-2021, ठीक है। और 10000 दूसरा कौन सा था, 10002 जिसमें 18-20 का डेटा है, 10001 और 10002, 10002 को मैंने कर दिया 2018 से लेके 2020 रीनेम करके। अब मैं अगेन सिलेक्ट कंपनी में जाता हूं तो देखिए अब मेरे पास मेरे जो 3 साल के जो डेटा थे उसको मैंने स्प्लिट करके 3 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में जो किया वही डेटा मेरे पास सिलेक्ट कंपनी में मुझे डिस्प्ले हो रहा है, 2018-19, 19-20 और 20-21। तो इस तरह से आपको डेटा स्प्लिट करना होता है टैली में। आप हर सिंगल फाइनेंशियल ईयर के भी डेटा को आप करना हो तो आप कर सकते हो। डेटा स्प्लिट होने के बाद जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो अपने आप ओपनिंग में आ जाएंगे, तो वो आपको उसके बारे में कोई वो सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। तो डेटा स्प्लिट में एक्चुअली होता क्या है, ट्रांजेक्शन अलग हो जाते हैं और जो भी क्लोजिंग है वो जो नया कंपनी बनता है उसमें वो अपने आप ऑटोमेटिकली एज अ ओपनिंग में आ जाता है। तो इस तरह से आपको टैली में डेटा स्प्लिट करना होता है। तो ये थी आज की टैली टिप्स। थैंक यू वेरी मच सर।